हेलो फ्रेंड्स, सैमसंग ने फिर से लॉन्च कर दिया अपना एक और S10 का लाइनअप सीरीज जो कि S10 का लाइट वर्जन। और ये फ़ोन सच में एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आने वाला कमाल का स्मार्टफोन है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग क्या ऑफर कर देता है इस फोन में, S10 लाइट वर्जन में क्या क्या स्पेक्स हमें ऑफर देखने को मिल जाते हैं, और साथ में देखेंगे ये जो S10 लाइट है सच में ये इसको लाइट बनाता है कि नहीं, प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या इसकी प्राइस भी पड़ती है। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसके लुक की बात करते हैं। लुक आप देख सकते हैं, कमाल का लुक हमें देखने को मिल जाता है। पीछे में आपको प्लास्टिक टाइप से बॉडी देखने को मिल जाती है, बट लुक सच में बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। जो कैमरे का सेटअप दिया गया है वो थोड़ा सा कॉपी टाइप से लगता है, बट हाँ कैमरे का भी जो पूरा सेटअप दिया गया वो बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहता है सैमसंग इसे। तो इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और साथ में रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया हुआ है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, और नियर अबाउट 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाता है। और साथ में इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली टेक्नोलॉजी भी हमें इस फोन में देखने को मिल जाती है। तो ये डिस्प्ले इसको सच में बहुत ही कमाल का डिस्प्ले बना देता है। एक बहुत ही कमाल का वाइब्रेंट डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके प्रोसेसर की बात कर ले तो बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि सबसे लेटेस्ट है एंड्रॉयड का 10.0, और आ जाता है वन यूआई 2 के साथ में। तो इसका जो बहुत ही ऑप्टिमाइज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, वन यूआई भी बहुत ही ऑप्टिमाइज दिया हुआ है। और साथ में हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है पहली बार, जो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है 855, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया हुआ है एड्रिनो 640 के साथ में। S10 प्लस में हमें एक्जिनॉस का प्रोसेसर देखने को मिला था, बट पहली बार S10 लाइट में हमें देखने को मिला है स्नैपड्रैगन का 855, जो कि सच में बहुत ही कमाल और फाड़ू प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस तो सच में बहुत ही कमाल की होने वाली है। अब फोकस करते हैं इसके कैमरे पे, जो कि ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया हुआ है, बहुत ही कमाल का लगता है देखने में। तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 48 MP का मेन सेंसर हमें देखने मिलता है, जो कि सुपर स्टडी हुआ है इस मोड के साथ में आता है, जो कि जब आप वीडियो शूट करेंगे सच में विदाउट शेक जो है वीडियो बहुत ही कमाल की शूट हो जाएगी। साथ में 12 MP का हमें अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, साथ में 5 MP का मैक्रो हमें देखने को मिल जाता है। तो सच में वीडियो की क्वालिटी और फोटो की क्वालिटी बहुत ही कमाल होने वाली है रेयर कैमरे के साथ में। उसके साथ में हमें कैमरा जो देखने को मिलता है सेल्फी कैमरा, वो है 32 MP का f2.2 के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले में हिडन है। बहुत ही छोटा सा पंच होल डिस्प्ले दिया गया इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। तो कैमरे की भी क्वालिटी बहुत ही औसम हमें देखने मिलेगी, कमाल की क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है इस फोन के कैमरे की। इस फोन के कुछ ओवरव्यू की बात करें, फिजिकल ओवरव्यू जो कि इसमें हमें देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक बिल्कुल ही मिसिंग दिया हुआ है, इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो 3.5 mm जैक कंपनी ने हटा दिया, और आजकल जो है कोई भी फ्लैगशिप लेवल वाला जो स्मार्टफोन आ रहा है सब में से कंपनियां जो है जैक क्यों हटा दे रही, मेरे को नहीं समझ में आता, बट ये माइंड सेटअप हो चुका है कि जैक ही हटा देना है। तो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बाकी हमें इसमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर 25W का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी कहती है 30 मिनट के अंदर 63% ऑलमोस्ट चार्ज कर देगा। तो एक बहुत ही सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाती है, और साथ में हिडन है अब इसमें बड़ी सी बैटरी, जो कि 4500 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही कमाल की 4500 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। इसके वेरिएंट की बात करें तो इसमें वेरिएंट हमें देखने को मिलता है एक सिंगल वेरिएंट जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जो कि आता है 39,999 रुपी, जो कि 40,000 में 1 रुपये कम है। तो ऑलमोस्ट हो गया 40,000 प्राइस में। बाकी सब कुछ हमें इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट रीडर डिस्प्ले दिया गया है। सिम जो है हमें हाइब्रिड देखने को मिलेगा, या फिर आप सिंगल सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट हमें देखने को मिल जाता है, तो ओके है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। 128GB भी मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा है, 128GB भी ओके दिया गया स्टोरेज। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ कमाल के फीचर्स, और सच में मेरे अकॉर्डिंग तो फ़ोन बहुत ही कमाल का है। बाकी आप जो अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।